हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी यार गौरव में। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको अपने स्कूल दिखाने वाला हूँ कि पहाड़ों में मेरा स्कूल कैसा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, मैं आपको अपना स्कूल दिखाने वाला हूँ। और मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मेरा जो स्कूल है वो है उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल लंबगांव में। तो मैं यहाँ से आपको एक लंबगांव का व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पीछे में आप देख सकते हैं, ये हमारा मार्केट और कुछ इस तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मार्केट है। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, अभी यहाँ पे 9 बज रहे हैं और यहाँ पे 9 बजे यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इस तरीके का व्यू है। और अभी जो है मैं आपको स्कूल में लेके जाने वाला हूँ, तो चलिए मैं चलता हूँ स्कूल में और दिखाते हैं कि मेरा स्कूल पहाड़ों में कैसा बना हुआ है। दोस्तों, तो आज है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस के मौके पे जो है हम आज आपको अपना स्कूल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको लेके चलता हूँ स्कूल की तरफ, और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा यहाँ पे हमारे स्कूल का है। तो ये हमारा यहाँ पे GIC लंबगांव, और ये यहाँ पे ग्राउंड, और यहाँ पे जो है बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे खेलते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट हैं, और आगे भी आपको लेके चलते हैं तो आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे इको गार्डन ये है, और ये यहाँ पे बना रखे हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने ये बहुत मेहनत की है इस गार्डन को बनाने में। तो इस गार्डन को देखते हैं क्या क्या इसमें है, और लेके चलते हैं आपको गार्डन की तरफ। और ये है यहाँ पे इको क्लब GIC लंबगांव, ये बना रखा है और देख सकते हैं आप यहाँ पे इको क्लब GIC लंबगांव टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो है ये गार्डन है, और इसमें काफ़ी अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठने के लिए भी बना रखा है, और पेड़ पौधे यहाँ पे फूल बाड़ी वगैरह यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन कर रखा है। और पीछे आप मार्केट देख सकते हैं, और यहाँ पे एक दिखाते हैं आपको एक मेहमान और हैं। तो ये मेहमान भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बैठे हुए हैं, और ये भी यहाँ पे इनका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रेज़ है मार्केट में। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन था, क्योंकि हमारे देश में हमारा कानून, हमारा हमारी सरकारों को चुनने के लिए कानून पास किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, और जो इससे पहले था वो भारत सरकार अधिनियम जो एक्ट 1935 था वो लागू था, और उसको हटाकर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून लागू हुआ। और इस तरह से हम एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित हुए, और कानून का राज स्थापित हुआ। जो भारतीय संविधान जो हमारा बना, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत, ये जो है भारत का जो संविधान था इसको अपनाया गया और लागू 26 जनवरी 1950 को। इसी के साथ हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक संप्रभु गणतंत्र देश के रूप में घोषित हुआ। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग के समस्त विद्वान शिक्षक साथियों, प्यारे छात्र छात्राओं, सम्मानित अभिभावकों एवं समस्त अधिकर्मियों को महत्वपूर्ण गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास करने के उपरांत तथा संविधान सभा द्वारा संविधान के स्वरूप को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू की गई, जिसमें जनता को मत देने का बहुमूल्य अधिकार प्रदत्त है। केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न समस्याएं, विभिन्न संस्थाएं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के रूप में हमारे सामने अपने अपने दायित्व का निर्वहन करती है।
मेरे विद्यालय के शिक्षकों से अनुरोध है कि देश की शासन व्यवस्था के संदर्भ में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बहुमूल्य जानकारी छात्र छात्रों को प्रदान की जाए, साथ ही देश के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी देते हुए देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान करने वाले देश के वीर सपूतों एवं स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की गाथाओं से बच्चों को परिचित किया जाए।
दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक रहिएगा अपना ध्यान। सो बाय बाय दोस्तों।